एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम है अभिनव और ये है एक्स इलेक्ट्रॉन CL760 एलईडी प्रोजेक्टर विच कम्स एट द प्राइस टैग ऑफ 17,000 रुपए। तो ये एक बेसिक फुल एचडी एलईडी प्रोजेक्टर है जो कि इनबिल्ट ब्लूटूथ के साथ आता है। ये कुछ स्पेशल हो गया और 2 महीने यूज करने के बाद इसकी अच्छाई या बुराई सब कर डालेंगे। तो अनबॉक्स करते हैं। एक्सेसरी बॉक्स, एक्सेसरीज में एक IR बेस्ड रिमोट, पावर कोड, HDMI केबल, 3.5mm टू RCA, 2 हाइट एडजस्टिंग स्क्रू, यूजर मैनुअल और एक एक्स इलेक्ट्रॉन सपोर्ट एंड वारंटी कार्ड। लेट्स अनरैप द प्रोजेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका फोम फैक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी तक बार शेप के हम प्रोजेक्टर्स देख रहे थे, लेकिन ये आता है कर्व डिजाइन के साथ, बिल्कुल डिफरेंट। इसके प्रोजेक्टर लेंस पे आपको स्लाइडिंग कवर मिलता है, मतलब कि होएगा नहीं। इसके बाद फ्रंट पे लाइंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा टचअप दिया गया है और यहीं पे एयर इनलेट ग्रिल है जिसके नीचे रिमूवेबल फिल्टर है, सिंपली इन एंड आउट। टॉप साइड पर फोकस डायल कीस्टोन करेक्शन जो कि 40 डिग्री प्लस माइनस जा सकता है, कुछ फिजिकल की और कॉर्नर पे एक्स इलेक्ट्रॉन की ब्रांडिंग। रियर साइड पे आपको काफी सारे पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB, 2 HDMI, 1 VGA, 3.5mm ऑडियो आउटपुट, 1 ऑडियो वीडियो पोर्ट और 1 IR ब्लास्टर और सबसे नीचे पावर पोर्ट, वो भी तो जरूरी है। बॉटम साइड पे 5 वोल्ट का मोनो स्पीकर, 4 लेग्स जिनकी रबर पैड के नीचे सीलिंग माउंट का प्रोविजन है और यही पे डस्ट रिमूव करने के लिए कैप दिया गया है, क्योंकि सभी प्रोजेक्टर्स में डस्ट की दिक्कत रहती है, लेकिन यहाँ से आप सिर्फ एक ही स्क्रू ओपन करके डस्ट क्लीन कर सकते हो। और रियर साइड पे भी सेम वही लाइंस मिलती है जो आपको फ्रंट पे मिलती है। ओवरऑल डिजाइन काफी ज्यादा फ्रेश, लेटेस्ट एंड दिखने में कूल भी लग रहा है। तो सेटअप करना काफी ज्यादा सिंपल, रियलमी स्टिक के साथ कनेक्ट कर लिया है। जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये है 150 इंचेस का और मेरी वॉल पे जितना स्पेस है उससे ये काफी ज्यादा आउट हो रहा है, तो मुझे डिजिटल जूम से जूम आउट करना पड़ेगा। 90% जूम आउट के बाद मुझे 120 इंचेस का स्क्रीन मिल जाता है, वो भी 11 फीट से। और यहाँ पे जो फोकस डायल है वो पूरा ट्रेवल कर चुका था, दैट मींस 11 फीट से आप मैक्सिमम स्क्रीन साइज इस प्रोजेक्टर के साथ 150 इंचेस तक का ले सकते हो, लेकिन अराउंड 16 फीट से ये जा सकता है अप टू 250 इंचेस। दैट मींस इस प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो है 1.4। ब्रांड क्लेम करता है 6800 लूमन्स की ब्राइटनेस, 5000:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो और मेरी कैलकुलेशंस में 1800:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट आया जो कि एक प्रोजेक्टर के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रिजोल्यूशन के साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन ये सपोर्ट करता है वो 1080p ही है। अभी स्क्रीन पे डिफरेंट सैंपल्स में प्ले कर रहा हूं, 95% की आपको कलर एक्यूरेसी इस पे मिलती है। जो ब्राइटनेस है वो डार्क रूम प्लस सेमी लाइट के साथ काफी बेहतर है। 9 वोल्ट का बल्ब ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके की पिक्चर क्वालिटी और 35 वोल्ट का बल्ब ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके की पिक्चर क्वालिटी। दैट मींस डे टाइम के अंदर अगर थोड़ी बहुत लाइटिंग रूम के अंदर आती है तो पिक्चर क्वालिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 5000:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट या फिर ओरिजिनल 1800:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट के साथ जो ब्लैक्स है वो काफी अच्छे मिलते हैं एंड डार्क सैंपल्स प्ले करने पे आपको ब्लैक में कोई ग्रेइश टच नहीं मिलता, मतलब कि जो ब्लैक का फील है वो काफी ज्यादा क्लोज रहता है ब्लैक के। इस प्रोजेक्टर में कोई कलर शिफ्टिंग की दिक्कत भी नहीं आती और अगर आप ऑफिस, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में इसको यूज करना चाहते हो तो टेक्स्टेबल कंटेंट बहुत शार्प इस पे दिखाई देते हैं, लेकिन एक टर्म है कि आपको इसको सेंटर में प्लेस करना होगा, उसी के बाद आपको जो शार्पनेस है वो बिल्कुल प्रॉपर मिलती है। और इसके अंदर 4D कीस्टोन करेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 40 डिग्री का प्लस माइनस वर्टिकल कीस्टोन करेक्शन मिलता है, तो अगर सेंटर में रखोगे तो ज्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, आपको कलर एक्यूरेसी के साथ अच्छी खासी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है एंड मेन थिंग इज शार्पनेस। जो लोग इसको टेक्स्टेबल कॉन्टेंट के लिए यूज करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट फिट रहेगा। मोशन हैंडलिंग भी प्रोजेक्टर्स का एक मेन कंसर्न है एंड ये प्रोजेक्टर 60Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और क्लियर कट बात है कि अगर आप 30fps का कंटेंट प्ले कर रहे हो 150 इंचेस पे और बहुत फास्ट मूविंग सीन है तो उसमें हल्का फुल्का ब्लर आता है, लेकिन वही सेम वीडियो अगर 60fps में प्ले हो रहा है तो वहां पे ब्लर काफी कम हो जाता है। और अगर कोई आप एक ऐसा सीन प्ले करते हो जिसमें ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों को फोकस में रखा गया है तो ये प्रोजेक्टर आपको प्रॉपर दोनों पे ही फोकस दिखाता है, ना कि सब्जेक्ट को ब्लर कर देता है। दैट मींस अनयूजुअल सब्जेक्ट को ब्लर करने का इशू इसके अंदर नहीं है। अब इसकी ऑडियो क्वालिटी पे आए तो 5 वोल्ट का इनबिल्ट मोनो स्पीकर इसमें आता है और इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके साथ ऑडियो एक्सपीरियंस इतना खास नहीं है और काफी तीखी आवाज आती है, लेकिन जो स्क्रीन पे आप इक्वलाइजर की सेटिंग्स देख रहे हो इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा आपको मिल जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें बीट्स मिलेगी, बेस मिलेगी, ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा तगड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया है, मतलब कि आप अपने ब्लूटूथ होम थिएटर को, नेक बैंड को या फिर आपकी एयरपोर्ट्स हो वो सब आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके इनबिल्ट स्पीकर का एक बार सैंपल सुनते हैं।
उन्होंने इस बारे में कहा था क्योंकि बार बार ये चर्चाएं आ रही थी, खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के संसद के मामले को सुप्रीम कोर्ट बता देते हो क्या? अब इनकी डेथ की वजह, जगह और तारीख भी बता दो। सैंपल सुन के एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप न्यूज देखते हो या फिर कोई रियलिटी शोज, सीरियल्स देखते हो, मूवीज देखते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा, अगर आपके पास होम थिएटर है वो कनेक्ट कर लो, अदरवाइज आपका जो ब्लूटूथ हेडसेट है अगर आप अकेले देख रहे हो तो वो भी यूज कर सकते हो। तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी, अब एक बार प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूं। तो प्रोज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज पिक्चर क्वालिटी, और पिक्चर क्वालिटी में सभी चीजें इंक्लूडेड है लाइक शार्पनेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर एक्यूरेसी, तो यहाँ पे वो चीजें सब कुछ आपको बिल्कुल बैलेंस्ड मिलती है। सेकंड, इनबिल्ट ब्लूटूथ के साथ आता है जो कि बेसिक प्रोजेक्टर में ब्लूटूथ होना एक अलग चीज है। थर्ड, इसका थ्रो रेशो कंपटीशन से काफी ज्यादा है, सभी में 1.1 या 1.2 का थ्रो रेशो मिलता है लेकिन इसमें 1.4 का थ्रो रेशो मिल रहा है, मैक्सिमम आप 150 इंच की स्क्रीन पे जा सकते हो। फोर्थ, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूट या फिर इंडस्ट्रियल वर्क में जो टेक्सटेबल कॉन्टेंट प्ले होता है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। अब कॉन्स पे आए तो सबसे पहली चीज 4D कीस्टोन करेक्शन, बेसिक प्रोजेक्टर में 4D कीस्टोन करेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। सेकंड, जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा हाईफाई नहीं है लेकिन ब्लूटूथ है इनबिल्ट तो आप अपने स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हो, वैसे इसमें वायर्ड होम थिएटर या स्पीकर्स को कनेक्ट करने का भी प्रोविजन है। थर्ड एंड लास्ट, जो हाइट एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं अगर आप इसको डेस्क पे माउंट करते हो तो उसके लिए आपको ये रबर पैड हटाने पड़ते हैं, इसमें एक्स्ट्रा या अलग से आपको स्क्रू लगाने के लिए प्रोविजन नहीं दिया है, लेकिन ये कोई खास चीजें नहीं है पर बताना जरूरी है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक बेसिक प्रोजेक्टर स्ट्रेच्ड बजट के अंदर सर्च कर रहे थे तो ये आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। कंप्लीट 1 ईयर की ब्रांड वारंटी के साथ आता है, लेकिन वारंटी के साथ अगर कोई इशू आए तो आप डायरेक्टली इसी मेल आईडी पे अपना ऑर्डर आईडी या फिर इनवॉइस मुझे शेयर करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको ब्रांड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, प्लस आपको वारंटी में भी हेल्प करूंगा, मतलब वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और अगर आप मुझसे 101 डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कंसल्टेंसी का लिंक दिया है, जाके अपना फॉर्म फिल करो एंड डायरेक्टली मैं आपको कॉल या वीडियो कॉल करूंगा एज पर योर क्वेरी। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करके DM कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।